अच्छा जी, आज हमने ना इंडिया को डिस्कस करना है जी। इंडिया सबसे पहले तो देखें कि इंडिया का कैपिटल कौन सा है। दिल्ली, ठीक है जी। और आपने याद रखना है इंडिया के सूबे कितने हैं, 29। इंडिया के कितने प्रोविंस आएंगे जी, 29 प्रोविंसेस हैं जी इंडिया के। और उसके बाद जी आगे तो पाकिस्तान के ज्यादा है, सूबे क्या, 5 सूबे पाकिस्तान के, 4 सूबे हैं, 5वां सूबा बिल्कुल भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे है, वो हमारा प्रॉपर सूबा नहीं है। वो भी आया नहीं, बना नहीं, मतलब बना हुआ है लेकिन मतलब है कि क्योंकि वो कश्मीर का हिस्सा है तो इस वजह से वो हमारा उस तरह का सूबा नहीं है जिसका के बाकी 4 है। समझ आ गई भाई? अच्छा जी, अब आप ये देखें कि इंडिया जो है, इंडिया का सबसे बड़ा सूबा पॉपुलेशन वाइज ये आ जाता है उत्तर प्रदेश। समझ आ गई? उत्तर प्रदेश जो है वो इंडिया का क्या है जी, सबसे बड़ा सूबा है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूपी। क्या बोलेंगे जी? यूपी, उत्तर प्रदेश। आपको याद रखना है इंडिया का सबसे बड़ा सूबा जो है वो यूपी है जी पॉपुलेशन वाइज, और एरिया वाइज कौन सा है जी, राजस्थान। राजस्थान आपने याद रखना है कि राजस्थान में क्या है जी, राजस्थान जो है इसमें एक दो हफ्ते देख रखना है कि अजमेर शरीफ है जी, और इसका कैपिटल जो है वो जयपुर है। राजस्थान का कैपिटल क्या है जी, जयपुर। क्लियर हो गया जी? अच्छा, अब आप ये देख लीजिए कि आगे इंडिया का नेशनल एनिमल जो है वो कौन सा है? अच्छा जी, आपने याद रखना इंटरनेशनल एनिमल जो है वो टाइगर है जी, टाइगर ऑफ बंगाल, बंगाल टाइगर है जी। और आपने याद रखना इनकी भी नेशनल गेम जो है ना वो हॉकी है, और हमारी भी हॉकी है। उसके बाद आप ये देखेंगे आगे इनकी जो सीक्रेट एजेंसी है उसका नाम क्या है, रा। रा क्या है जी, रा से आपने याद रखना है रिसर्च एनालिसिस विंग है। रा क्या है जी, रिसर्च एनालिसिस विंग। रिसर्च एनालिसिस विंग कौन सा है जी, रा। क्लियर हो गया जी? रिसर्च एनालिसिस विंग बोलते हैं रा, ठीक हो गया जी? उसके बाद आप देखें तो इंडिया 15 अगस्त को आजाद हुआ था। इंडिया कब आजाद हुआ है? 15 अगस्त को आजाद हुआ था 1947 को। अच्छा जी, आगे आप देखें इंडियन पंजाब के ना 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया जी। इंडियन पंजाब, इंडियन पंजाब के ना कितने सूबे बने थे जी, 3। एक है हिमाचल प्रदेश, कौन सा है जी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आपने याद रखना है कि इस का जो है अपना कैपिटल वो है शिमला, और इंडियन पंजाब और दूसरा जो सूबा है वो उसका नाम है हरियाणा। हिमाचल प्रदेश क्या है, शिमला। कैपिटल क्या है जी, शिमला है जी। और आपने याद रखना है कि हरियाणा और इंडियन पंजाब इन दोनों का एक ही कैपिटल है, उसका नाम क्या है, चंडीगढ़। नाम क्या है जी,
उसका नाम चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है आपने याद रखना है, उसका नाम चंडीगढ़ है जी। हिमाचल प्रदेश जो है इसका आपने याद रखना चंडीगढ़। और ये तीन सूबे इंडियन पंजाब के टूटने के बाद जो है ये बने, समझा जी। पंजाब जो है वो खत्म हुआ था और उसके साथ क्या हुआ जी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा और इंडियन पंजाब तीन सूबे बने। इंडियन पंजाब का कैपिटल क्या है जी, चंडीगढ़। और हरियाणा का भी क्या है जी, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश का क्या है जी, शिमला। मैंने अभी आपको लिखवाया था राजस्थान, राजस्थान का क्या था जी, राजस्थान का है जयपुर। राजस्थान का क्या था जी, जयपुर। इसको क्या बोलते हैं, पिंक सिटी बोला जाता है, इसको पिंक सिटी बोलते हैं, पिंक सिटी। आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश राजस्थान के कैपिटल को क्या बोलते हैं, जयपुर। और यहाँ पे इसको क्या है कि पिंक सिटी बोला जाता है। यहाँ पे अपना अजमेर शरीफ है, राजस्थान में कौन सी चीज है जी, अजमेर, अजमेर शरीफ है, जहाँ पे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का मजार है। इसके नीचे आप अगर देखें तो आ जाता है क्या जी, इसके नीचे आएगा इंडियन गुजरात। इसके नीचे क्या आएगा, इंडियन गुजरात। आपको पता है इसका कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात का कैपिटल क्या है, गांधीनगर है, गांधीनगर, गांधीनगर कैपिटल किसका है, गुजरात का। इंडियन गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है। आपको पता है इसका, इसके अंदर शहर है अहमदाबाद, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ मुस्लिम, ग्रेवयार्ड ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं जी, अहमदाबाद को। आपने याद रखना है कि अहमदाबाद को ग्रेवयार्ड ऑफ मुस्लिम बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ मुस्लिम। इसके नीचे एक मुल्क आता है, अपना शहर सूबा आता है महाराष्ट्र, ठीक है ना जी। महाराष्ट्र बंबई बोलते हैं जी, महाराष्ट्र जो ये सूबा है इसका कैपिटल क्या है, बंबई। उसको आजकल बोलते हैं मुंबई। मुंबई जो है आपने याद रखना है कि वो नया नाम है जी, किसका जी, बंबई। इसको गेट वे टू इंडिया बोलते हैं, मुंबई को क्या बोलते हैं, गेट वे टू इंडिया, गेट वे टू इंडिया। आपने याद रखना है गेट वे टू इंडिया बोला जाता है बंबई को, गेट वे टू इंडिया, समझ आ गई जी। आपने याद रखना है इसके नीचे एक स्टेट आती है गोवा। आपको पता है वाइल्ड क्रिश्चियन स्टेट है गोवा, कौन सी स्टेट है, गोवा, गोवा, जी ओ के, वाइल्ड क्रिश्चियन स्टेट है किसकी जी, इंडिया की। और ये टूरिज्म के लिए बड़ी पॉपुलर है जी गोवा। फिर आपको पता है एक आती है कर्नाटक, कर्नाटक स्टेट जो है, कर्नाटक, कर्नाटक बोलते हैं। कर्नाटक आपको पता है ये कर्नाटक स्टेट के अंदर आता है मैसूर। मैसूर जानते हैं, सल्तनत खुदादाद टीपू सुल्तान मैसूर, ठीक है जी। आपने याद रखना है कि मैसूर जो स्टेट है वो किसकी थी जी, टीपू सुल्तान, उसके वालिद हैदर अली, ठीक है ना जी। तो उनकी स्टेट थी जी क्या जी, मैसूर। तो आपने याद रखना है कि मैसूर जो है इसका उस वक्त कैपिटल था श्रृंगापटम। इसका कैपिटल क्या था जी,
सरंगा पट्टम, सरंगा पट्टम जो है ना ये मैसूर का कैपिटल था, सरंगा पट्टम। तो आपने ये याद रखना है कि टीपू सुल्तान की शहादत कब हुई थी जी, 1799 में, 1799 में फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर में टीपू सुल्तान की शहादत हो चुकी। समझ आ रही है? फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर, फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर में शहादत हो जाती है किसकी जी, टीपू सुल्तान की। आपको ये याद रखना चाहिए कि क्योंकि 1766 में जो वार स्टार्ट हुई थी वो एंड कब हुई थी, 1799 में जाके एंड होती है फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर में, टीपू सुल्तान की शहादत हो जाती है। और वो कर्नाटक जो है वो आजकल मैसूर शहर जो है वो किस में आता है जी, कर्नाटक स्टेट में आता है। कहाँ पे आता है जी, कर्नाटक। आगे आप देखिए एक स्टेट है केरला, कौन सी स्टेट है जी, केरला। आप ये देखते हैं कि ये है केरला स्टेट। केरला जो है ना केरला स्टेट जो है आपने याद रखना है कि इसकी जो मेन चीज है ये वास्को डे गामा के साथ बहुत अटैच है जी। आपको पता है 1498 में वास्को डे गामा कहां पे आया था जी, इस केरला स्टेट की पोर्ट है कालीकट। आपने याद रखना है केरला स्टेट की पोर्ट कौन सी है जी, केरला स्टेट है पोर्ट है काली कट, काली कट, काली कट पोर्ट पे कौन आया था जी 1498 में, वास कोडे गामा। ये कहां से था जी, ये कई दफा पूछा गया कि वास कोडे गामा कहां से था जी, आपको होता है पुर्तगाल से था। ये इससे पहले 1497 में 1497 में कहां गया था जी, ये केप टाउन साउथ अफ्रीका, एक साल पहले ये साउथ अफ्रीका में था जी। एक साल पहले कहां गया था जी, साउथ अफ्रीका। और उसके बाद क्या हो जाता है जी कि एक साल बाद ये आया था इंडिया, केरला स्टेट कालीकट पोर्ट इंडिया। और आपने ये याद रखना है कि ये जो इसकी मूवमेंट थी इसने क्या डिस्कवर किया था जी, सी रूट डिस्कवर किया था। कहां से कहां तक जी, इंडिया से यूरोप तक का। ये बताया था कि अगर इंडिया में आपने जाना हो तो यूरोप से कैसे जाया जाए। समझ आ गई जी? तो ये केरला स्टेट में आया था कालीकट पोर्ट पे, कौन सा बंदा था जी, वास्को डे गामा। अगर वे आप देखें कि इंडिया की जो स्टेट आएगी उसका नाम है तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु जो है ना इसका कैपिटल आपको पता होना चाहिए, पहले था मद्रास और अब उसका नाम हो गया है चेन्नई। क्या नाम है जी, चेन्नई, चेन्नई। चेन्नई जो है ना ये मतलब आपने याद रखना है कि यहां पे 1991 में राजीव गांधी, राजीव गांधी किसका बेटा था जी, आपने याद रखना है कि जो मोतीलाल नेहरू था ना जी 1928 में जिसने क्या दी थी जी, नेहरू रिपोर्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि नेहरू रिपोर्ट किसने दी थी तो वो दी थी मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने दी थी नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट जब उसने दी थी तो उस बंदे का नाम मोतीलाल है जी, लेकिन आपने याद रखना है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसी का बेटा बना था, कौन सा जी, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1964 में मर जाता है तो कौन बना जी इसके बाद, लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन आपको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री 1966 में ताशकंद मुआहदे में क्या हुआ जी,
ताश का धुआं का धुआ उसमें फौत हो गया जी। कौन जी? लाल बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसके बाद आपको होता है नेहरू की बेटी है इंदिरा, जो बाद में आपको होता है उसने फिरोज गांधी से शादी की थी, जिस वजह से उसका नाम पड़ गया इंदिरा गांधी। उसके बेटे थे दो, संजय गांधी और राजीव गांधी। समझ आ गई थी? तो आपको होता है राजीव गांधी बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बना, और ये बेटा था बेसिकली इंदिरा गांधी का। 1991 में तमिल्स ने किसको मार दिया जी? राजीव गांधी। समझाई कि नहीं थी? क्योंकि अगर आप इंडिया के नक्शे को देखते हो ना मेरे भाई, तो इंडिया के नीचे यहाँ पे अगर आप इसके नक्शे को ऐसे बनाते हैं ना, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे नीचे कौन सा मुल्क आता है? श्रीलंका। कौन सा मुल्क आता है? श्रीलंका। ये यहाँ पे वो केरला स्टेट है, और ये वाला जो पुर्च है ना, ये तमिल्स है। ये कौन सा सूबा है? तमिल्स। आपने याद रखना है तमिलनाडु है। ये श्रीलंका का ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये इस पोर्शन को, ये वाला जो है इसका नाम है चाफन पेनिनसुला। कौन सा जी? चाफन पेनिनसुला। तो आपने याद रखना है कि जो ये चाफन पेनिनसुला है ना, आपको पता है पहले श्रीलंका का नाम जो था ना वो साइगोन था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है जी? साई साइलून। श्रीलंका का पुराना नाम साइलून है जी। और आपने ये याद रखना है कि 1972 में ये नाम बदल के क्या हो गया जी? श्रीलंका। 1972 में ये श्रीलंका बना है। तो इसके बाद ऊपर वाले पोर्शन पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी। ऊपर वाला पोर्शन जो है, लोगों ने जो तमिल थे उन्होंने कहा कि हमने अलहदा होना है। तो इंडिया ने पहले सोचा कि अगर श्रीलंका का ये वाला पोर्शन अलहदा हो जाता है तो श्रीलंका और छोटा हो जाएगा, तो हम उसके ऊपर अच्छी तरह रूल कर सकेंगे। तो आपको पता है पहले इंडिया ने तमिल्स को सपोर्ट किया, लेकिन हुआ ये कि ये जो तमिल का सूबा है ना, इन्होंने कहा अच्छी बात है, हमें और इनको मिला के अलहदा मुल्क बना दे तमिलिस्तान। उसमें क्या हो गया? इंडिया परेशान हो गया। इंडिया को लगा कि यार हमारा इलाका तो श्रीलंका से ज्यादा जा रहा है। तो उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने सपोर्ट किया श्रीलंकन गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से यहाँ के जो तमिल थे उन्होंने गुस्से में आके ये मद्रास में, तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? मद्रास, जिसका नया नाम क्या है? चेन्नई। वहां पे इसको बर्दाश्त हुआ था, जिसमें राजीव गांधी मारा गया। अगर क्वेश्चन आए कि 1991 में राजीव गांधी कहाँ मारा गया, तो तमिलनाडु चेन्नई, तमिलनाडु चेन्नई में मारा गया। अच्छा जी, क्लियर हो गया कि नहीं जी? अब मेरे भाई इनकी पूर स्टेट आती है उड़ीसा। सबसे जो गरीब इलाका है ना इनका, वो कौन सा है? उड़ीसा। उसको बोलते हैं पूर स्टेट इंडिया की। कौन सी है जी? उड़ीसा। उसके बाद आपने याद रखना है एक इनका सूबा यहां पे आएगा, जिसका नाम क्या है? वेस्ट बंगाल। कौन सा है जी? वेस्ट बंगाल जी, वेस्ट बंगाल। आपको क्या, वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कलकत्ता। वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है जी? कलकत्ता। ईस्ट बंगाल का कैपिटल क्या था जी? ढाका। मुसलमानों का था ना जी ईस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल हिंदुओं का था। तो आपने याद रखना है वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या था जी? कलकत्ता। और वेस्ट बंगाल कलकत्ता जो है, ये बहुत बड़ी पोर्ट है। किसकी जी? इंडिया की। इंडिया की एक बहुत ही अहम पोर्ट है कलकत्ता। आपको पता है ये बहुत अच्छा ब्रिटिश एम्पायर का कैपिटल भी रहा। तो कैपिटल कब शिफ्ट हुआ था जी? कलकत्ता से 1911 में। आपको पता है जब अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी,
तो कैपिटल ब्रिटिश एम्पायर का यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, दिल्ली। क्लियर हो गया नहीं? तो आपने याद रखना है जी के तो अपना वेस्ट बंगाल जो कैपिटल कलकत्ता जो है, यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड भी रहा है, उसका नाम है ईडन गार्डन कलकत्ता। ईडन गार्डन कलकत्ता आप बोलते हैं मदर टेरेसा जो है वो भी कहाँ से है जी, कलकत्ता में रही है। आप बोलते हैं ये 1979 में मदर टेरेसा को क्या मिला था जी, नोबल पीस प्राइज। 1979 में मदर टेरेसा को क्या मिला जी, नोबल पीस प्राइज मिला था। नोबल प्राइज के बारे में बताया था ना मैंने आपको, तो आपने याद रखना है कि 97 में मदर टेरेसा की डेथ हुई थी। 1979 में क्या लेती है मदर टेरेसा जी, नोबल पीस प्राइज, और 97 में मदर टेरेसा की डेथ होती है, और 2003 में क्या आ गया जी, ब्लेस्ड टाइटल दिया गया, ब्लेस्ड टेरेसा ऑफ कलकत्ता, ब्लेस्ड टेरेसा ऑफ कलकत्ता के नाम से इसको टाइटल दिया गया। 79 में इसकी डेथ हो गई थी, सॉरी 79 में इसको पीस नोबेल पीस प्राइज मिला था, 97 में इसकी डेथ। मेरे भाई इसने सोशल वर्क किया, ये बेसिकली क्या थी, चर्च में नन थी, नन समझते हैं ये मेरे भाई, ऐसी औरतें जो खास तौर पर क्रिश्चियनिटी में है ये शादी नहीं करती, और क्या करती है जी, ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है। जैसे आप कहते हैं डॉक्टर रुथ पाओ थी ये इधर जो कराची में, जिसने क्या किया जी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ लेप्रोसी पेशेंट जो है उसने काम किया। इसी तरह मदर टेरेसा ने वहां के जो गरीब आवाम थी उनके लिए बहुत ज्यादा सोशल वर्क किया, तो इस वजह से इसकी खिदमत की बेस पे क्या दिया गया इसको जी, नोबल पीस प्राइज। अब आपने याद रखना है कि इंडिया में ना तीन रिवर बहुत है, मैं एक रिवर जो है इसके ऊपर क्या आता है आप ये देखें, एक रिवर है जिसके ऊपर कलकत्ता आता है, आपने याद रखना है ये जो है ना, यहाँ पे कलकत्ता आता है, पोर्ट भी है, और किस रिवर पे आता है, हुगली रिवर पे। रिवर का नाम आपने याद रखना है हुगली। हुगली रिवर पे कौन सा शहर आता है, कलकत्ता। और आपने याद रखना है इंडिया के ना दो रिवर बड़े इंपॉर्टेंट है ऊपर वाली साइड पे, ये पहाड़ों हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों से निकलते हैं, जैसे आप देखेंगे एक रिवर ये जा रहा है ठीक है जी, और एक ऊपर से आता है, ये दोनों जो है ये अलाहाबाद में घुसते हैं, और उसके बाद फिर ये आगे बांग्लादेश में आते हैं, यहाँ पे बांग्लादेश आ जाएगा। तो आपको बताना चाहिए इसका नाम है गंगा, कौन सा नाम है जी, गंगा। सॉरी ये जमुना है, नीचे वाला क्या है जमुना, ऊपर वाला गंगा है जी, गंगा जी जी। गंगा और जमुना दो रिवर हैं, ये दोनों ही मुकद्दस माने जाते हैं। इस रिवर के ऊपर यहाँ पे इनका कैपिटल आता है, इनका कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। क्या है जी, न्यू दिल्ली, और उसके आगे यहाँ पे शहर आएगा आगरा। आप बोलते हैं आगरा में जो है कौन सी चीज है जी, ताजमहल। कब बनवाया था जी, 1631 से लेके 1653 तक बना था, 22 साल लगे थे किसको बनने में जी, ताजमहल को बनने में 22 साल लग गए, 1631 से लेके 1653 तक जाता है, शाहजहां ने बनवाया। आपको क्या, इसके बिल्कुल साथ ही चंद किलोमीटर के फासले पे एक और शहर आता है, इसका नाम है सिकंदरा। सिकंदरा जो है ना, यहां पे कौन दफन है जी,
शहजादुद्दीन मोहम्मद अकबर का मजार आगरा के बिल्कुल करीब है, सिकंदरा जगह है, वहां पे दफन है जी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कब फौत हुआ था जी? 1605 में। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का फौत हुआ जी 1605। ये आगरा के बिल्कुल साथ है जगह सिकंदरा। फिर मेरे भाई ये शहर आ जाता है बनारस या अपना सॉरी अलाहाबाद। अलाहाबाद जो है यहाँ पे क्या है जी के इकट्ठे है मेरे भाई, जो दोनों रिवर कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं जी? अलाहाबाद में। और अलाहाबाद में क्या हुआ था जी? खुतबा अलाहाबाद हुआ था किसका जी? डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का। और इसके बाद आगे आएगा जी बनारस। कौन सा शहर आता है जी? सिटी ऑफ टेंपल्स बोलते हैं, मंदिरों का शहर बोला जाता है, मंदिरों का शहर है कौन सा जी? बनारस। आपने याद रखना है मंदिरों का शहर है जी बनारस जो है। क्लियर हो गया कि नहीं जी? मंदिरों का शहर बोलते हैं इसको, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें यहाँ की साड़ियां बड़ी मशहूर हैं, यहाँ के पान बड़े मशहूर हैं और यहाँ के ठग भी बड़े मशहूर हैं। समझा? बनारस जी तकरीबन आधा घंटा हो गया। अच्छा जी, तो आपने याद रखना है कि बनारस, बनारस समझ आ गया जी? स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ टेम्पल्स, बनारस की साड़ियां, बनारस के पान और बनारस के ठग, ये सारे यहाँ पे पॉपुलर है जी। क्लियर हो गया जी? अब थोड़ी सी इनकी देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने कब जनाब बुद्धिज्म की बुनियाद रखी थी? इंडिया से रखी थी, ठीक है ना? इंडिया में गौतम बुद्ध जो है, आपको पता है बुद्धिज्म का फाउंडर जो है वो गौतम बुद्ध है। तो 500 BC में, 500 BC, इसका असल नाम आपने याद रखना है कि गौतम बुद्ध का असल नाम है सिद्धार्था। इसका असल नाम क्या है जी? सिद्धार्था। ये गौतम बुद्ध का असल नाम है जी। इसने क्या किया जी? इसने बुनियाद रखी बुद्धिज्म की। अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया में कब आया था जी? 327 BC में, 27 BC। आपको पता है मौर्या डायनेस्टी है, मौर्या, मौर्या गुप्ता के नाम से। ये 304 BC में यहाँ पे आया, जिसने इंडस सिविलाइजेशन को खत्म करके यहाँ पे क्या बनाया जी? ये मौर्यन सिविलाइजेशन का आगाज किया। लेकिन 184 BC में मौर्या डायनेस्टी एंड हो जाती है जी। जी 304 BC में स्टार्ट होती है क्या जी? मौर्यन सिविलाइजेशन। और एंड कब हो रही है जी? 184 BC। फिर भाई BC ओल्ड चलती है, बाकी तो AD तो जीरो से स्टार्ट हो रही है ना, ये आगे जा रही है, ये पीछे से स्टार्ट होके एंड हो रही है AD के पास आके। इस वजह से ये क्या है जी? ओल्ड आती है जी। जितना पीछे बड़ा वर्ड होगा वो पीछे जाएगा, और जितना AD की तरफ आएगा छोटी होती जाएगी। समझा रहे जी? तो ये आपने याद रखना जी, मौर्यन सिविलाइजेशन। उसके बाद आप देखिए जी के आगे क्या होता है। मुगल डायनेस्टी यहां पे कब स्टार्ट हुई थी जी? 1526 में। लेकिन गजनबी अटैक कब हुआ है? आप होता है 1000 में, 1000 में स्टार्ट हुआ था महमूद गजनबी का पहला अटैक इंडिया पे। कब हुआ था जी? 1000। और आखिरी अटैक कब है जी? 1026 में है, सोमनाथ का मंदिर गिरा दिया जी। 1000 में पहला अटैक है और 1026 में क्या है जी? आखिरी 17वां हमला है,
17th अटैक जो किया है, तो आपने याद रखना है कि ये दो अटैक मेजर मतलब 17 हमले किए इसने, फिर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी दो बड़ी अहम जंगें उसने इंडिया में लड़ी 1191 और 1192 1191 और 1192। आपको पता है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1191 और 1192 दो सालों में दो जंगें हैं, इनको क्या बोलते हैं कि बैटल ऑफ तराइन, जंगे तराइन बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं। ये लड़ी गई थी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और वर्सेस कौन सा था जी, पृथ्वी राज चौहान, समझ आ गई थी, पृथ्वी राज चौहान वर्सेस शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, पहली जंग में कौन हार गया जी, पहली जंग में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी हारा था, अच्छा जी आपने याद रखना है 1191 और 1192 हर पेपर में पूछता है ये बैटल, बैटल ऑफ ट्राइन कब लड़ी गई थी 1191 और 1192 में, किस किस के दरमियान लड़ी गई थी, पृथ्वीराज चौहान, पहले जंग में कौन हारा जी, गौरी हार गया, लेकिन अगले साल इसने कसम खाई थी कि अगले साल मैं क्या करूंगा जी, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं अगले साल इस शिकस्त का बदला लूंगा। तो कहते हैं उसी दिन दोबारा जो है मैदान सजाया गया जिस दिन ये हारा था, और उस जंग में 1192 में इसने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देके उसको कत्ल कर दिया, समझ आ गया ना जी। और आपको पता है कि इसी ने पहली जो पहला इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ इंडिया कौन है जी, नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम सुना हुआ जी, मेरे भाई उसको बोलते हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ इंडिया, पता है क्यों बोलते हैं, 1206 में उसको इंडिया का गवर्नर बनाया गया, समझ आ गई जी, 1206 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है ये कत्ल हो जाता है। इसके बाद क्योंकि इनकी डायनेस्टी का तो मेन हेडक्वार्टर तो अफगानिस्तान था ना जी, गौरी डायनेस्टी जो थी, क्योंकि ये किसको खत्म करके आई थी, गजनवी डायनेस्टी को, समझ आ गई ना, जिस दिन गौरी मारा गया तो उसके बाद इंडिया का लिंक कट गया किससे जी, अफगानिस्तान से। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ इंडिया कौन बना जी, कुतुबुद्दीन ऐबक, आपने याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये 1206 से लेके 1210 तक जिंदा रहता है, इसका रूल जो है वो कितना है जी 1206 से लेके 1210 तक। और आपको पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जिंदगी में दो अहम काम किए, एक तो उसने मस्जिद बनवाई थी मस्जिद कुवतुल इस्लाम, ये दिल्ली में है, मस्जिद का नाम क्या है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मस्जिद का नाम कुव्वतुल इस्लाम है, और इसका दूसरा काम है कुतुब मीनार, कौन सा है जी, कुतुब मीनार, मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम और कुतुब मीनार, ये दो काम किसने किए जी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक की वफात कब होती है जी, 1210 में, कैसे मरा था जी को पता जी, कहां पे, आपको पता है लाहौर में ही, ये उस वक्त चुगान बोलते हैं उसको, क्या बोलते थे जी, चुगान, जो जो है ना मतलब है कि ये पोलो है, ये बेसिकली इसकी इन्वेंशन इंडिया से है, ये चुगान खेलते थे घोड़ों पे गेंद के साथ, उसी का नया नाम क्या है पोलो, ये जुगान खेल रहा था। और कई दफा पेपर में आया, इंग्लिश में आया तो पोलो आ जाता है, उर्दू में आया तो बोलता है कौन सा इंडियन रूलर था जो जुगान खेलता हुआ क्या हुआ जी, घोड़े से गिर के मर गया जी, तो वो कौन है जी, इसका मजार कहाँ पे है जी, कहाँ पे,
एबक रोड अनारकली, ये जो आप पुरानी अनारकली है ना जी फूड स्ट्रीट वाली, इससे दूसरी नई अनारकली अगर जाते हो ना तो क्या होता है जी कि वहां पे एबक रोड आएगा। एबक रोड के ऊपर जनाब बाजार है किसका जी, कुतुबुद्दीन ऐबक का, 1210 में इसकी डेथ हुई थी। ये फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी का, फाउंडर किसका है जी, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ इंडिया भी है और फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। यहां से कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है जी, स्लेव डायनेस्टी। तो ये इंशाल्लाह इंडिया में जब हम इंडिया हिस्ट्री करेंगे तो फिर इनको डिटेल डिस्कस करेंगे। आपने याद रखना है 1526 में मुगल एम्पायर का आगाज हुआ था जहीरुद्दीन बाबर। बाबर कहां से आया था जी, 1526 में, किसी को पता है जी बाबर कहां से आया था, सेंट्रल एशिया फरगाना। आपको पता है 1483 में पैदा हुआ था बाबर। जहीरुद्दीन बाबर कब पैदा हुआ, 1483 में पैदा हुआ था। ये डेटे बहुत अहम है, इस वजह से ये डेटे कहानी के साथ याद भी रखनी है जी। आपने याद रखना है 1483 में पैदा हुआ फरगाना, जगह कौन सी थी फरगाना। अब आप पूछेंगे फरगाना कहां पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे ये वैली आती है। यहाँ का मतलब है सरदार था इसका वालिद उमर शेख मिर्जा। तो में ये पैदा हुआ था और उसके बाद ये मतलब है 1494 में, 1494 में क्या बात क्या बना जी, बादशाह बना यहां का फरगाना का। लेकिन क्या हुआ जी, इसके हालात ऐसे बन गए कि इसके अपने इसके खिलाफ हो गए और ये जिस एक कभी इसके हाथ से समरकंद निकल जाता तो कभी बुखारा, कभी काबुल तो कभी और कोई और शहर। मतलब है कि ये प्रॉपर स्टेबल नहीं हो पा रहा। इसकी वजह से एक दौलत खान बंदा था जो रूलर था लाहौर का, यानी कि पंजाब का ना इस एरिया का लाहौर का, तो उसने इसको दावत दी थी कि तू इंडिया आ जा, क्योंकि वो डरा हुआ था इब्राहिम लोदी से। दौलत खान कैसे डर रहा था जी, इब्राहिम लोदी आखिरी रूलर है आपको पता है लोदी डायनेस्टी का, इब्राहिम लोदी। तो इस तरह फिर बाबर जो है वो 1524 में कहां पे अटैक कर देता है जी, लाहौर पे। और उसने फिर 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ के किसको हरा दिया जी, इब्राहिम लोदी को। फिर इस तरह मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी किसने जी, जी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। आपने याद रखना है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई आ गई थी कहां पे जी, इंडिया में, अकबर के पीरियड में आई थी। ये याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आई थी जी, 1600 में। आपको 1774 पहला जो गवर्नर आया ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका नाम है बैरन हेस्टिंग। नाम क्या है, बैरन हेस्टिंग। बैरन हेस्टिंग ये पहला गवर्नर है। और आप बोलते हैं लास्ट गवर्नर कौन था जी, लॉर्ड कैनिंग। लास्ट गवर्नर कौन था जी, लॉर्ड कैनिंग है जी। जी आपको पता है पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना जी, तो उसके क्या आते थे, गवर्नर आते थे। तो लॉर्ड बैरन हेस्टिंग जो है ये पहला है, ये 1774। आपको पता है 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है खत्म हो गई थी। 1857 की जंग आजादी के बाद कौन सी कंपनी खत्म हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। और उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाते हैं वायसराय, क्योंकि डायरेक्ट ब्रिटिश राज आ गया था। 1858 में
ब्रिटिश राज आ गया इंडिया पे, और यहाँ पे कौन खत्म हो गया जी, इन कंपनी खत्म हो गई और गवर्नर भी खत्म हो गया, तो कौन आना शुरू हो गया जी, वॉइस राय। तो आप बताए पहला वॉइस राय भी लॉर्ड कैनिंगी है, लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वॉइस राय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, और आखिरी वॉइस राय कौन सा है जी, माउंट बैटन। आप याद रखना है लॉर्ड माउंट बैटन ये लास्ट वॉइस राय है, समझ आ गई जी। 1848 में आपको पता है एक डॉक्ट्राइन आई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, पता है जी इसका, नहीं पता जी, किसी को भी नहीं पता। 48 मेरे भाई आपको पता है कि हमारे यहाँ एक रिवाज है बच्चों को गोद ले लेते हैं, जिसका बच्चा नहीं होता वो अपने ताए चाचे बहन भाई का बच्चा, या वैसे भी आपको पता है ये जो मतलब आर्फन हाउस होते हैं वहां से भी लोग क्या कर लेते हैं जी, अडॉप्ट कर लेते हैं। पहले ये होता था कि अगर कोई बच्चा आप अडॉप्ट करते हो तो उस आपको ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी जो है वो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती। अब होता है हमारे आप नहीं होती, अब बच्चा अगर कोई अडॉप्ट होता है या तो उसको जिन्होंने अडॉप्ट किया है जाती दफा उसको गिफ्ट कर जाए या उसको विल करेंगे, विल में आपको होता है 1/3 होती है, सारी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती ट्रांसफर ना, हाँ गिफ्ट में आप सारी प्रॉपर्टी दे सकते हो। गिफ्ट है जब बंदा जिंदा है तो जिंदा बंदा अपनी प्रॉपर्टी जिसको मर्जी दे जाए, समझ आ गए कि नहीं, वो जरूरी नहीं है अपने बच्चों को दे, जिसको मर्जी गिफ्ट कर सकता क्योंकि उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, समझ आ गए कि नहीं। लेकिन वजह ये होती है कि जो इसमें आ गया था डॉक्ट्राइन में कि आज के बाद जो अडॉप्टेड चाइल्ड होंगे उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि हिंदू जो राजे महाराजे थे जिनकी औलाद नहीं होती थी वो कोई ना कोई अपने रिश्तेदारों का कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते थे ताकि मरने के बाद वो प्रॉपर्टी सरकार की तरफ ना जाए, किधर जाएगी बच्चे की तरफ, वो ही राजा रहे, क्योंकि आप बोलते हैं ब्रिटिश सरकार ने या प्रिंसली स्टेट चलाए रखी थी, उन्होंने खत्म नहीं की है, क्योंकि राजे महाराजे ब्रिटिश दौर में थे, वो क्या करते थे राजे जी, वो गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया को क्या देते थे, टैक्स देते थे, अपनी जितनी उनकी मतलब होती थी अमाउंट पैदावार होती थी उसका एक लेवल जो है एक मतलब हद तक किसको भेज देते थे जी, ब्रिटिश को, और ब्रिटिश को पता था अगर ठीक है चला रहे हैं तो चलाते रहे, हमें किससे गरज है जी, पैसों से। लेकिन आपको पता है जब ये इंडिया और पाकिस्तान बने थे उस वक्त ये राजे महाराजे खत्म कर दिए थे, प्रिंसली स्टेट कितनी थी 562 स्टेट थी राजो महाराजों की, जो क्या कर दी गई जी, खत्म कर दी गई। आपको पता है कुछ स्टेट पाकिस्तान को मिली थी जिनमें 52 स्टेट है, पहली स्टेट जिसने पाकिस्तान के साथ इलाक किया वो कौन सी थी जी, 52 टोटल 562 थी, 562 जिनमें आप देखें ये चित्राल और सवात ने 1969 में इलाक किया पाकिस्तान के साथ, फिर पन्नू को काट हुआ था 1948 में, तो ये फाटा का वो एरिया जो 7 एजेंसीज थी जिसके साथ मिली थी पाकिस्तान के साथ, इस तरह फिर ये 48 में बावलपुर तो ये 40 तकरीबन जो है ना ये पहली स्टेट थी ना 47 में ये ऐड हो गया था। तो अब होता है कि जो है कल्ला और बकरान दसमेला ये बलोचिस्तान में ये स्टेट भी पाकिस्तान को मिली, तो इस तरह कुछ चंद गिनती की स्टेट पाकिस्तान को मिली थी, क्योंकि ब्रिटिश और इंडिया इन दोनों ने रूल क्या रखा था कि जिस स्टेट का राजा हिंदू है और अवाम मुसलमान है वहां पर राजा डिसाइड करेगा कि स्टेट ने किधर जाना, और जिस स्टेट का राजा जो है वो हिंदू है और अवाम मुसलमान है वो क्या करेगा जी, हिंदू राजा डिसाइड करेगा, और जिस स्टेट का राजा मुसलमान है और अवाम हिंदू है वहां पे अवाम डिसाइड करेगी, समझ आ गई ना, कि हर सूरत में ज्यादा से ज्यादा स्टेट किसको मिलेगी, इंडिया को। फिर वही स्टेट हमें मिली जिनका राजा भी मुसलमान था और अवाम भी मुसलमान थी, वो स्टेट हमें मिली, बाकी सारी स्टेट किसको मिली थी,
इंडिया को। तो आपने याद रखना है कि ये पहला वायसराय जो है अपना जो गवर्नर था वो कौन सा थी बेरन हेस्टिंग्स पे, उसके बाद 1848 1853 में पहली दफा जो है वो रेलवे पोस्टल और टेलीग्राफ लाइन इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये जो टेलीग्राफ आया था ना जी, इसने वार ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या कर दिया जी, बहुत चेंज कर दिया सिस्टम को। क्योंकि आपको पता है ये लोग जाते थे घोड़ों पे पैगाम लेके, तो टेलीग्राफ जो है वो इधर से किया, जैसे मोबाइल का मैसेज है इस तरह मैसेज अगली जगह पे पहुंच गया, जिसकी वजह से क्या हो गया जी इंफॉर्मेशन ज्यादा तेजी से पहुंच गई ब्रिटिश की, और ब्रिटिश ने बार ऑफ इंडिपेंडेंस को कंट्रोल कर दिया। समझ आ गई जी? अच्छा जी आगे देखते जी, में बर्मा जो है ना म्यांमार, ये किसका सूबा बना था जी, इंडिया का, ये ब्रिटिश के अंदर रह के ना म्यांमार को भी इन्होंने किसके साथ मिला दिया, इंडिया के साथ। 1885 में आपको पता है कांग्रेस बनी थी, 1885 में कौन सी चीज बनी थी जी, कांग्रेस। ये किसने बनवाई थी जी, एओ ह्यूम ने। लेकिन सच्ची बात करें तो ये सर सैयद की वजह से बनी। आपको मैं बताऊं कि सर सैयद ने रिसाला लिखा था 1859 में, रिसाला ए असबाबे बगावत ए हिंद 1859 में। आपको पता है ना 1857 की जंग आजादी के बाद अंग्रेजों ने मारना शुरू कर दिया किसको जी, मुसलमानों को, क्योंकि उन्हें लगता था कि हमने इकतदार छीना है किससे भी, मुसलमानों से, और ये बगावत की सबसे बड़ी वजह भी कौन है, मुसलमान। इन वजूहात की बिना पे क्या हुआ था मेरे भाई, कि मुसलमानों की जायदादें जब्त कर ली गई, मुसलमानों के ऊपर झूठे पर्चे कर दिए गए, और ज्यादा मतलब इन पे तकलीफें जो है ना वो उठाई गई। लेकिन क्या हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि जब सर सैयद ने ये रिसाला लिखा था तो उसने कहा था कि मुस्लिम आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेबेलियन, हिंदू एंड ब्रिटिश आल्सो। तो इसकी 700 कापियां क्या की गई थी, 700 कापियां बनवाई गई। उन 700 कापियों को यूरोप में भेजा गया, इंग्लैंड और दूसरे ममालक में। तो गोरे लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि ये तो बात समझ आती है कि क्या है कि हिंदू और मुसलमानों ने बगावत में हिस्सा लिया, लेकिन ब्रिटिश कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं बगावत में। तो सर सैयद ने ये कहा था देर बाद बिग गैप बिटवीन रूलर एंड रूल, कि जिस पे रूल हो रहा है और जो रूल कर रहे हैं इनमें कम्युनिकेशन गैप था, जिसकी वजह से क्या हुआ जी, बगावत हुई। अगर ये गैप ना होता तो बगावत ना होती। उसने कहा जब सूअर और गाय की चर्बी का कहा गया कि ये हिंदू और मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है तो क्या होना चाहिए था जी, आपको खत्म कर देने चाहिए थे, लेकिन आपने नहीं किए, वही काज बनी बगावत। अब पता है इस वजह से ये जो ए ओ ह्यूम बंदा था एक सिविल सर्वेंट था, इसने सोचा कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जो इंडियन के मसाइल को क्या करे, वो हायर अथॉरिटी तक पहुंचाए। देयर शुड बी अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया विच कम्युनिकेट द मैटर ऑफ इंडियन टू द हायर अथॉरिटी ऑफ ब्रिटेन, ताकि वो उसको सॉल्व करे। तो फिर क्या हो जाएगा जी, फिर कभी बगावत नहीं होगी। मेरे भैया पता है ये दो कोर्ट में जाके जज के सामने बंदा क्यों मार देते हैं, तुझे पता चल रहा है, होते हैं ना बेचारे में कत्ल होते हैं ना, क्या वजह होती है, उन्हें ये पता होता है ये जज इंसाफ नहीं करेगा। अगर उन्हें पता हो कि ये जज इंसाफ करेगा तो उन्हें कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। जब किसी भी मुल्क का कानून जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल
वो रिस्पोंड करें लोगों को, तो कभी भी बगावत नहीं होती। आप अगर इस्लामिक कानून को देख लें तो हजरत उमर जो है वो रिस्पोंड करते थे ना, रात को गश्त भी करते थे, और उन्होंने जितने गवर्नर लगाए थे सब गवर्नर को भी यही हुक्म था कि आपने अपने दरवाजे के ऊपर कोई भी वॉचमैन जो है वो नहीं बिठाना, रात के किसी लम्हे भी किसी बंदे को प्रॉब्लम होता है तो आप उसको रिस्पॉन्स करो। तो उसका क्या फायदा होता था, क्या पता है, उनके दौर में अमन था, सुकून था, ठीक है ना जी। अब ये बड़ी बड़ी गाड़ियों के हमारे वजीर आजम और ये गवर्नर और मिनिस्टर क्यों घूमते हैं, क्योंकि इनका एटीट्यूड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इन्हें खतरा है कि अवाम गुस्से में आके कहीं हमें कत्ल। आपको पता है जस्टिन ट्रूडो है अभी इस रिसेंट दौर में वो लोग सरेआम घूमता है एयरपोर्टों पे, वैसे घूमता रहता है, उसको कोई बंदा कुछ नहीं कहता क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता है ये नेदरलैंड का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जाता है वजीर आजम हाउस में, कोई बुलेट प्रूफ साइकिल नहीं है उसकी, जो उसको मसला हो ऐसे ही साइकिल पे जाता है, कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि वो क्या है कि एटीट्यूड उसका रिस्पॉन्सिव है, उसकी गवर्नमेंट लोगों के मसाइल को हल करती है, जब लोगों के मसाइल को हल करेगी जो भी गवर्नमेंट लोग उस बंदे से प्यार करेंगे ना जी। तो ये इशू था, इस वजह से ए और हमने कब खोली थी 1885 में, कौन सी जमात बनाई, कांग्रेस बनी थी, ऑल इंडिया कांग्रेस। अच्छा जी, अब आप ये देखें जी आगे, तो आपने याद रखना है कि याद तक हम बात कहां कर रहे थे जी, 1858 की, क्योंकि जहां पे आपको होता है कि 1859 में रिसाला रसाला एस्काबे बगावत लिखा गया, उसके बदले में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ऑल इंडिया कांग्रेस। और आपको पता है कि ये टोटली किन की जमात थी जी, हिंदुओं की, ठीक है ना जी। और आपको पता है 1899 में लॉर्ड कर्जन आया था इंडिया में एज ए वायसराय, जिसने 16 अक्टूबर 1905 को क्या की थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल, 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, 16 अक्टूबर 1905। कौन सा वायसराय, लॉर्ड कर्जन, 1899 में आया। आपको पता है 1898 में सर सैयद अहमद खान की डेथ होती है, अच्छा जी। अब हम इसके इवेंट देखते हैं कि महात्मा गांधी जो है इसको 30 जनवरी 1948 को कत्ल किया गया था। महात्मा गांधी पैदा हुआ था 1869 में, महात्मा गांधी जो है ये पैदा हुआ था जी, ये डेथ इसकी हुई थी 30 जनवरी 1948। को किसकी डेथ हो जाती है जी, महात्मा गांधी की डेथ हो जाती है। और आपने याद रखना है जी आगे कि
ये रिपब्लिक कब बना जी? आप बताएं 1950 में इंडिया रिपब्लिक बन गया था, इनका कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो गया और ये राजेंद्रा प्रसाद इसका पहला प्रेसिडेंट बना था। 1950 जी जी हम बने यार जाके 1956 में, हम 9 साल लगाए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। पहला प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट है ना, वो राजेंद्रा प्रसाद। आपको पता 1962 में इंडिया और चाइना का तिब्बत इशू पे क्या हो गया था, हिमालिया बॉर्डर पे सिनो इंडियन वार हो गई जिसमें इंडिया को मारा किसने जी? चाइना ने। फिर 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की वार होती है 6 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक जी। ये 1962 में होती, आपने याद रखना है 6 सितंबर से लेके 6 सितंबर से 22 सितंबर तक क्या रही थी जी? वार, ठीक है जी। उसका वायदा हुआ था 1966 में, क्या वायदे का नाम है जी? ताशकंद। वायदा है ताशकंद। आपको बताना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ इनकी वार हुई थी 1971, जिसमें 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान हमसे क्या हो गया जी? अलहदा हो गया। 16 दिसंबर 1971 हमसे कौन अलहदा हुआ जी? ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया उसमें इनकी सारा मतलब है कि। उसके बाद 8 मई 1974 इन्होंने पहले 2 धमाके किए थे फोर में, न्यूक्लियर ब्लास्ट इन्होंने 8 मई 1974 को किया था जी पहला जी। समझ आ गया ना जी? इंडिया ने पहला ब्लास्ट कब किया है जी? 8 मई 1974 को, और हमने क्या किया है जी? 28 मई 1998 में। अच्छा जी, आपने याद रखना है इंडिया ने 1984 में किस टेंपल पे हमला किया था जी? गोल्डन टेंपल अमृतसर, गोल्डन टेंपल अमृतसर 84 में जी जी 1984 में। और इसी वजह से आपको पता है अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी को कत्ल कर दिया गया, सिखों ने मार दिया इंदिरा। में भी हम बात कर रहे थे कि राजीव गांधी को क्या कर दिया गया जी? कत्ल कर दिया गया। 1992 में ना एक मस्जिद है अयोध्या, ठीक है जी, अयोध्या का मंदिर है, इस पे आप होता है कि बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, ये जहीरुद्दीन बाबर के दौर में ये मस्जिद बनाई थी अयोध्या में। लेकिन 1992 में क्या किया गया? 1992 में ये मस्जिद जो है गिरा दी गई। मस्जिद क्या कर दी गई जी? गिरा दी गई। और अभी तक वो मस्जिद भी नहीं है वहां पे और मंदिर भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आगे इसको रोक दिया। मस्जिद तो गिर गई है लेकिन ना अभी मंदिर बना है तो ना ये भी दोबारा मस्जिद का भी। 1992 बनी तो बाबर के दौर में थी ना, जहीरुद्दीन बाबर के दौर में, लेकिन 92 में इसको क्या कर दिया गया जी? गिरा दिया गया। अच्छा जी, आगे आप देखिए
2007 में फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट इनकी बनी थी प्रतिभा पटेल। कौन सी बनी थी जी? प्रतिभा पटेल, पी आर ए टी आई बी एच ए प्रतिभा, आगे पी ए टी आई एल पटेल, फर्स्ट बी मैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 2007 में बनी थी जी। आपने याद रखना है कि समझ आ गई जी। अच्छा आगे आप देखें, इनकी जो पर्सनैलिटी अगर मैं आप देखते हैं तो अन्ना हजारे, अन्ना हजारे एक सोशल वर्कर है जी, ए डबल एन ए अन्ना, आगे एच ए जेड ए आर हजारे। अच्छा जी उसके बाद आप देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर, इनका एक बहुत बड़ा नाम है जी रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने इनका नेशनल एंथम लिखा था। अगर आ जाए कि नेशनल एंथम किसने लिखा इंडिया का, उसका नाम आएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है आपने याद रखना है कि ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर, इसको महात्मा का टाइटल भी, अब होता है कि जो गांधी को महात्मा का टाइटल दिया था वो भी किसने दिया था जी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और आपने ये भी याद रखना है कि जो है रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में पहला एशियन है जिसको नोबेल प्राइज दिया गया, फर्स्ट एशियन हु गॉट द नोबेल प्राइज, 1913 में इसको नोबेल प्राइज मिला था, ये पहला एशियन है जिसको नोबेल प्राइज मिला। समझ आ गई गणित, फर्स्ट एशियन हु गॉट द नोबेल प्राइज इन 1913 रविंद्रनाथ टैगोर। इसने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा है, इसने इंडिया का भी नेशनल एंथम। अन्ना हजारे मेरे भाई अभी भी है, ये करप्शन के खिलाफ आपको इसने भूख हड़ताले की है, करप्शन के खिलाफ ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहा है जी, इसने भूख हड़ताले जो है वो करप्शन के खिलाफ जो है वो की थी जी, क्योंकि ये पिछली जो गवर्नमेंट थी ना उसमें ज्यादा एक्टिव था, ये इस गवर्नमेंट में इतना नहीं है, मनमोहन सिंह वाली गवर्नमेंट में जो है ये ज्यादा इसने प्रोटेस्ट वगैरह किए। अच्छा जी अब मेरे भाई आगे देखते हैं, इनका जो आजकल जो है प्रेसिडेंट है वो कौन है जी, रामनाथ कोविंद, राम आर एम राम, आगे एन टी एच नाथ कोविंद, के ओ वी आई एन डी कोविंद, रामनाथ कोविंद इनका प्रेसिडेंट है। और आपको पता है जी नरेंद्र मोदी इनका क्या है, पीएम है। क्लियर हो गया जी, एक इनका बंदा है जी आपको पता है कि अमृता कुमार सेन, इसको 1998 में क्या मिला था, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज 1998 में अमृता कुमार सेन एस ई एन सेन 1998 में अमृता ए एम ए आर टी वाई ए अमृता, आगे कुमार ए यू एम ए आर कुमार, आगे एस सी एन से कुमार सेन, अमृता कुमार सेन जो है इसको क्या मिला जी, नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स के अंदर। ताजमहल का मैंने आपको बताया था कि ये 1631 से लेके 1653 तक जाके कंप्लीट हुआ जी, और
साल मतलब है कि 22 सालों में और रोज के 30,000 बंदे यहाँ पे काम करते थे जी। और इसका जो मेन उस्ताद था ना, उसका नाम क्या था जी, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये किसकी याद में बनाया गया था जी, मुमताज बेगम, मुमताज महल। मुमताज महल का असल नाम क्या है जी, अर्जमंद बानो। असल नाम उसका क्या है, अर्जमंद बानो। ये किसकी बेटी थी जी, आसफ जहां की। आसफ जहां किसका भाई था जी, नूर जहां का। और नूर जहां किसकी बीवी थी, जहांगीर की। नूर जहां किसकी बीवी थी जी, आप पता नहीं शाहजहां में नूर जहां और जहांगीर का मजार है ना जी, तो ये दोनों मियां बीवी थे। तो आसफ जहां जो है ना, ये नूर जहां का भाई था और इसकी सिर्फ बेटी थी मुमताज। समझ आ गई जी। और इसका नाम असल में अर्जुमंद बानो है और उसकी आरणी, उसकी भी शादी हो चुकी थी और शाहजहां की ये तीसरी बीवी थी, जिसकी याद में क्या हुआ जी, ताजमहल बनाया। समझ आ गई कि नहीं, ओके हो गया जी। अच्छा जी, अब मेरे भाई आपने देखना है एक हिस्टोरिकल प्लेस यहाँ पे, जिसका नाम हमने लिया है हरमिंदर साहब या गोल्डन टेंपल अमृतसर। कब बना था जी, 1588 में, 1288 में। हरमिंदर साहब जो है अमृतसर में कब बनाया गया जी, 1588, ठीक है जी, 1588। ये बनवाया किसने था, बाबा गुरु रामदास ने। ये सिखों का गुरु है, उसका नाम क्या है, बाबा गुरु रामदास, उसने बनवाया था जी। और आपने ये याद रखना है कि इसकी जो पहली ईंट रखी थी वो किसने रखी थी, हजरत मियां मीर ने रखी थी। हजरत मियां मीर का मजार आपको बताइए, ये माल के ऊपर है, ठीक है ना, ये धर्मपुरा के करीब आ जाता है। समझ आ गई जी। तो ये ध्यान रखिएगा कि उन्होंने पहला स्टोन इसका रखा था और उसके बाद जो है इसकी तामीर हुई। तो इस वजह से सिख लोग हजरत मियां मीर से बहुत मोहब्बत करते हैं और जो है आपको होता है पापा जो गुरु नानक है उसकी किताब गुरु ग्रंथ में किसकी शायरी है, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर की शायरी को उन्होंने किताब में लिखा है, अपनी किताब में उन्होंने ऐड किया है। जिस वजह से क्या हो जाता है जी कि सिख लोग बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर से भी क्या करते हैं जी, बहुत ज्यादा उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। समझ आ गई जी। ये था जी इंडिया, ठीक है जी, गुरु ग्रंथ। आपको बताना जी बाबा गुरु नानक कब पैदा हुआ था जी, 1469 में, 1469 में पैदा हुए और उनकी वफात है 1539 में। ये पैदा 1469 में हुए थे तलवंडी, ये जिसका नया नाम क्या है, ननकाना साहब। और वफात उनकी हुई थी, ये जो आपको आजकल बात हो रही है करतारपुर, यहाँ पे 1539 में बाबा गुरु नानक की वफात हो गई। तो इस वजह से इस जगह पे ही उनको जलाया गया। जलाने की बेसिकली जो स्टोरी है वो ये है कि तो मुसलमान कहते थे कि ये पापा जो है ये मुसलमान है, लिहाजा इसे आप क्या करेंगे जी, अपने अंदाज में दफन करेंगे। तो सिख कहते थे कि नहीं, ये हमारा गुरु है, हमारा लीडर है, लिहाजा ऐसा हमें क्या करेंगे, इसको जलाएंगे। तो इस तरह क्या हुआ जी कि जब बाबा जी की डेड बॉडी से कपड़ा उठाया गया तो नीचे कहते हैं कि डेड बॉडी नहीं थी, कुछ फूल पड़े हुए थे, फिर वो फूल जो है वो डिवाइड कर दिए गए, मुसलमानों ने आधे मुसलमानों ने ले लिए और आधे सिखों ने ले लिए। और जिस कपड़े पे हजरत बाबा जो है गुरु नानक जो है उनकी क्या थी जी, लाज थी, उसको उस कपड़े को भी आधा आधा कर लिया गया और दोनों को
एक हिस्सा मुसलमानों ने ले लिया और एक हिस्सा सिखों ने, सिखों ने अपने अंदाज में उसको जला दिया और मुसलमानों ने उसको दफन कर दिया। मतलब ये एक स्टोरी मतलब है जो उनकी वफात के बारे में आती है, क्योंकि इसी वजह आप बोलते हैं कि मुसलमान लोग भी जाते हैं ननकाना साहब और करतार, ठीक है ना जी, वो भी समझते हैं कि ये बुजुर्ग जो है ये हमारा था। 1539। अच्छा मेरे भाई आपका दो छोटे छोटे मुल्क आपने याद रखना है, ऊपर है लैंड ऑफ माउंटेन्स किसे बोलते हैं जी, नेपाल को। इंडिया के ऊपर कौन सा मुल्क आता है जी, नेपाल। तो आपने याद रखना है कि नेपाल को क्या बोला जाता है जी, लैंड ऑफ माउंटेन्स। समझ आ गए जी। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे दुनिया की हाईएस्ट क्या है, माउंटेन पीक है जिसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। आपने याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में है, ठीक है ना जी। दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट जी। 1841 में ना सर जॉर्ज एवरेस्ट थे, उन्होंने सर्वे किया था यहाँ का, तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया जी, माउंट एवरेस्ट। आपको पता है कि 1953 में इसका ना पहला बंदा है न्यूजीलैंड का था, उसका नाम है एडमंड हेलरी, एडमंड हेलरी, जिसने क्या किया जी, जिसने इसको सर किया था। इसके साथ एक बंदा था इधर कहीं नेपाल का, टेनजिंग नॉर्गे, टेनजिंग नॉर्गे, TENZING, टेनजिंग आगे नॉर्गे, NORGAY, नॉर्गे, टेनजिंग नॉर्गे। ये आपने याद रखना है कि ये बंदा 1953 में, आपको पता है कि नजीर साबर है जी 17 मई को 2000 में पहला पाकिस्तानी नजीर साबर, जिसने माउंट एवरेस्ट को क्या कर दिया जी, नजीर साबर, नजर भी बोलते हैं, नजर साबर भी बोलते हैं, नजीर साबर भी बोलते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि इसके बाद जो पहली मुस्लिम औरत है ना जी, ठीक है, फर्स्ट पाकिस्तानी औरत जो है वो समीना ख्याल बेग है, समीना ख्याल बेग। ये डेट नहीं दी गई, ये 2000 के बाद, 2000 समीना ख्याल बेग फर्स्ट पाकिस्तानी है और डेट देखनी पड़ेगी। ये इसने जो है ना आपने 2014 में किया है, बल्कि 2013 में, बाकी 13 में इसने किया है जी, 19 में, ठीक है ना जी।
ये आपने याद रखना है 2013 में गई है समीना प्याल देव जो है उसके बाद 2014 में जिसने 7 बड़ी पहाड़ियों को सर किया, ये यंगेस्ट जो है वो मुस्लिम भी नहीं है, समझ आ गई जी। और आपको पता है यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है जी, सार का हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी, नेपाल काठमांडू। आपने याद रखना सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन जो है ये सार्क है जी, और ये बनी थी 1985 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी, नेपाल काठमांडू है। इसके 8 मेंबर है और 9 ऑब्जर्वर है। क्लियर हो गया जी। आगे फिर एक और बात है भूटान, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। भूटान जो होता है इसको क्या बोलते हैं जी, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। क्लियर हो गया जी। थंडरबोल्ट जो है इसको, क्योंकि यहाँ पे बादल बहुत ज्यादा कड़क है जी, ये मेरे भाई इसका कैपिटल जो है वो है थिम्फो। भूटान का कैपिटल क्या है जी, थिम्फो है। और आपको होता है इसमें टबैको के रेलिवेंट, सिगरेट तंबाकू जो है ना, टबैको जो है इसके रेलिवेंट, किसी किस्म की कोई भी प्रोडक्ट हो वो यहाँ पे बैन, वो नहीं यूज हो सकती। और आपको होता है ये सिग्नल फ्री कंट्री है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई सिग्नल यूज नहीं होता। भूटान इसके नीचे मेरे भाई एक मुल्क आता है जिसका नाम है लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर, किसको बोलते हैं जी, बांग्लादेश को। आपको होता है इसके कैपिटल को बोलते हैं सिटी ऑफ मास, ढाका को क्या बोला जाता है जी, सिटी ऑफ मास, मस्जिदों का शहर बोलते हैं किसको जी, बांग्लादेश को। बांग्लादेश जो है ये मुल्क जो है मेरे भाई आपने याद रखना है, हमसे 16 दिसंबर 1971 को अलग हो गया था जी, और बांग्लादेश जो है इसका पहला प्राइम मिनिस्टर कौन बना था जी, मुजीबुर रहमान, अवामी लीग। अब होता है 1966 में मुजीबुर रहमान ने अपने 6 पॉइंट दिए, समझ आ गई जी। ये नवाब सलीमुल्लाह खान जिसने मुस्लिम लीग बनवाई थी वो भी कहाँ का था जी, ईस्ट बंगाल का, ईस्ट पाकिस्तान का। और आपको होता है मौलवी फजलुल हक जो था वो भी कहाँ का था जी, टाइगर ऑफ बंगाल या लॉयन ऑफ बंगाल बोलते थे। फिर आपको होता है सेकंड गवर्नर जनरल एंड सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा नाजमुद्दीन कहाँ से था जी, बंगाल से था। हुसैन शहीद सोहरावर्दी भी प्राइम मिनिस्टर रहा 1956 के बाद, तो वो भी कहाँ का था जी, बंगाल का था जी। सारी पर्सनैलिटी यहाँ से जी, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, हुसैन शहीद सोहरावर्दी। आपने याद रखना है कि अवामी लीग जो है वो मुखालफ हो गई थी और 16 दिसंबर को ये मुल्क बन गया, लेकिन आपने याद रखना है 1972 में प्राइम मिनिस्टर का कौन बनता है, मुजीबुर रहमान। और आपने याद रखना है 1974 में हमने बांग्लादेश को रेकग्नाइज कर लिया एज ए कंट्री, लेकिन 1975 में मुजीबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर से क्या बन जाता है जी, प्रेसिडेंट। और 1975 में मिलिट्री ने क्या कर दिया जी, अटैक कर दिया जनरल जियाउर रहमान ने, जिसमें मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया गया। सिर्फ कौन बचा था जी, इसकी एक बेटी बची थी जिसका नाम है असीना वाजद, आजकल जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया की अपना बांग्लादेश की, उसका नाम क्या है जी, असीना, शेख असीना वाजद। 75 में जैसे प्रेसिडेंट बनता है ना, तो 15 अगस्त को 1975 में इसको असैसिनेट कर दिया गया, जनरल जियाउर रहमान ने मिलिट्री कूप था।
1977 में जनरल जियाउर रहमान प्रेसिडेंट बनता है, लेकिन 1981 में 29 मई को जनरल जियाउर रहमान को असैसिनेट कर दिया गया और मार्शल लॉ लगाया गया। किसने लगाया था? 29 मई 1981 को जनरल अब्दुल सत्तार ने मिलिट्री कू किया, जिसमें क्या हो गया ये जियाउर रहमान कत्ल हो गया। लेकिन कुछ हफ्ते बाद जनरल अब्दुल सत्तार को हटा के 1982 में कौन आ जाता है? जनरल इरशाद। जनरल कौन सा आ जाता है? जनरल इरशाद। और आपको पता है 1985 में जो सार्क बनी थी ना, इसकी सदारत की थी जनरल इरशाद। आपको पता है ढाका में इजलास हुआ था और फिर इसके बाद जो है 1985 में ये सार्क पहला इजलास। 1990 में जनरल इरशाद पावर से उतर गया। फिर आप पता है बेगम आती है खालदा जिया। 1990 में प्राइम मिनिस्टर कौन बनी थी? बल्कि अपना 1991 में प्राइम मिनिस्टर बनी है खालदा जिया। आप पता है किसकी बीवी थी? जियाउर रहमान, जनरल जियाउर रहमान, जिसने 1975 में किसको कत्ल किया? मुजीबुर रहमान। इसके साथ आपने याद रखना है कि आजकल इनका जो है प्राइम मिनिस्टर है वो शेख हसीना वाजिद है। यहाँ की एक बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी है जिसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद यूनस, जिसको 2006 में क्या मिला था? नोबल प्राइज मिला था। 2006 में नोबल प्राइज किसको मिला? रही ठीक हो गया। ये इकोनॉमिक्स के अंदर आपको होता है इसने ग्रामियन बैंक, बैंक का नाम क्या था? ग्रामियन। ये ग्रामियन बैंक जो है, जैसे हमारे यहाँ खुशहाली बैंक है ना जी, जो छोटे छोटे कर्जे देता है, इसी तरह कर्जे देता है कौन सा? बोलते जी ग्रामियन बैंक। और उसने लोगों के लाइफ स्टाइल को बेहतर किया है, लोगों के लाइफ स्टाइल को इसने बेहतर किया है। ग्रामियन बैंक डॉक्टर मोहम्मद यूनस 2006, क्योंकि इसने छोटे छोटे कर्जे देके ना लोगों को उनकी लाइफ स्टाइल को कैसे बेहतर किया। लेकिन खुशहाली बैंक जो है, किसी बंदे ने अगर छोटी मोटी दुकान डाल ली है वो 50,000 लाख रुपया दे देता है बगैर फर्द के, बगैर सिक्योरिटी के, और आपने किस्तों में पैसे वापस कर ले। इससे क्या होता है, अगर वो बंदा लाख रुपया यूज करता है तो छोटी मोटी वो दुकान चलाता है तो चंद महीनों में वो क्या हो सकता है? बेहतर पोजिशन में आ जाएगा। तो इस तरह छोटे छोटे कारोबार जो है उनके लिए कर्जे देता था ग्रामीण, माइक्रो फाइनेंसिंग से बोलते हैं। आखिर में कंट्री है जी जिसे हम बोलते हैं टीयर ऑफ इंडिया, क्या बोला जाता है जी? टीयर ऑफ इंडिया, वो है श्रीलंका। आपको पता है हजरत आदम अलैहि सलाम कहां उतरे थे? उस वक्त इसका नाम था साइलून। श्रीलंका का नाम क्या है जी? साइलून। आपको बताना चाहिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है यहाँ पे उतरे, यहाँ पे एक पहाड़ी भी है उसका नाम क्या है? कोए आदम, कोए आदम। आपको बताना चाहिए इसका नाम श्रीलंका कब पड़ा जी? 1972 में। साइनून से ये क्या हो गया जी? श्रीलंका 1972। 1972 में ये जो है ये साइनून बन गया था, अपना श्रीलंका बन गया। समझ आ रही थी? ये 1948 में आजादी हासिल करता है किससे? ब्रिटेन से। ये बर्तानिया से आजाद हुआ था। समझ आ गई थी? और आपने याद रखना है श्री माओ बंदर नायके, इसका नाम याद रखिएगा SIRIMAO, श्री माओ बंदर नायके BNDARANAIKE। ये 1960 में पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर है दुनिया की, श्री माओ बंदर नायके, द फर्स्ट लेडी, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। 1960 में जी बनी थी
आपने याद रखना है जी। जैसे 1972 में इन्होंने नाम चेंज किया था ना जी, श्रीलंका बना था, तो आपको मैंने बताया जाफर पेनिनसुला में क्या हो गया जी, ये श्रीलंका का ये वाला जो हिस्सा है इसका नाम क्या है, जाफर पेनिनसुला। इसमें तमिल लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया जी, गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर दी। उस हिसाब से क्या हुआ जी के सिविल वार स्टार्ट हो गई थी। एक बंदे का नाम है विलू पिलाई प्रभाकर, वी एल यू पी आई डबल एल ए आई, विलू पिलाई आगे प्रभाकर पी आर ए पी बी एच ए के ए आर ए एन प्रभाकर, ये लीडर था जी तामल का। तामल मूवमेंट जो है ना उसका नाम आपने याद रखना है एल डबल टी ई, एल डबल टी ई, इसको बोलते हैं लिबरेशन ऑफ टाइगर ऑफ लिबरेशन ऑफ टाइगर ऑफ तामल ऑफ एलन L, L से क्या हुआ लिबरेशन, T से टाइगर्स, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, एलम का मतलब है जबरा, E L A M, क्लियर हो गया जी। ये मूवमेंट थी जी, और आपको पता है ये मूवमेंट इतनी चली, इतनी स्ट्रांग हुई कि श्रीलंका क्या होता है जैसे बैन हो गया बड़ा सारा, कोई मुल्क जो है श्रीलंका में नहीं जा रहा था, ना स्पोर्ट्स होती थी ना कुछ ना। तो आपने याद रखा है कि इनकी ना सारा सिस्टम जो था वो क्लैप्स हो गया हुआ था, इकोनॉमी डाउन जा रही थी, लेकिन 2005 में इनका प्रेसिडेंट बना था, उसका नाम है महिंद्रा राजा पक्से, महिंद्रा महिंद्रा राजा पक्से प्रेसिडेंट इनका बना था 2005 में, महिंद्रा राजा पक्से महिंद्रा महिंद्रा आगे डी आर ए महिंद्रा आगे राजा पक्से आर ए जे पी ए के एस ए पक्से। वो इनका जब प्रेसिडेंट बनता है उसमें विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस उसने इनके खिलाफ जो है वो काम शुरू किया, और आपको पता है 2009 में ये इनका लीडर जो था ना विलू पिलाई प्रभाकर वो कत्ल हो गया जी, मारा गया, और इस तरह जाके ये सारी जंग जो है वो खत्म हो गई। समझ आ गई जी। अब तो याद रखना एक औरत है यहाँ पे चंद्रिका कुमारा टूंगा, सी एच ए एन टी आर आई के चंद्रिका आगे कुमारा के यू एम ए आर ए टी यू एन जी ए कुमारा टूंगा, चंद्रिका कुमारा टूंगा, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री है, दुनिया की नहीं है, सिर्फ किसकी है जी, ये 1994 से लेके 2005 तक ये रहती है प्रेसिडेंट। तो आपने याद रखना है फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका चंद्रिका कुमारा टूंगा, चंद्रिका कुमारा टूंगा, ये याद रखना है श्रीलंका के बारे में जी। तो आपने याद में आज हमने तकरीबन 2005 तो आपने याद रखना जी, आज हमने तकरीबन इंडिया
को डिटेल किया, साथ श्रीलंका बांग्लादेश ये ममालक हो गए। अब इंशाल्लाह कल हम जाएंगे साउथ ईस्ट एशिया पे, म्यांमार से शुरू करेंगे, बर्मा से। श्रीलंका का कैपिटल आपने याद रखना है, पहले था कोलंबो, ठीक है ना। श्रीलंका कैपिटल क्या था जी? कोलंबो। लेकिन आजकल क्या हो गया जी? श्री जयवर्धनेपुरा। और मालदीव का कैपिटल आपने याद रखना है माले। साउथ एशिया में आता है ना जी मालदीव भी, मुस्लिम सबसे छोटा कंट्री है मालदीव, स्मॉलेस्ट मुस्लिम स्टेट कौन सी है जी? मालदीव है। श्री जयवर्धनेपुरा माले, मालदीव का कैपिटल। तो साउथ एशियन स्टेट की थी ना, अफगानिस्तान से हमने शुरू किया था। अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, इंडिया का न्यू दिल्ली, उसके बाद नेपाल का काठमांडू, भूटान का थिम्पू, बांग्लादेश का ढाका, श्रीलंका का श्री जयवर्धनेपुरा और मालदीव का माले। तो साउथ एशियन स्टेट आज हमारा कम्प्लीट हुआ। कल हम इंशाल्लाह म्यांमार पे जाएंगे, कल का दिन हमारा म्यांमार पे लगेगा अच्छी तरह अपना। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, फिर अपना सिंगापुर, बुरनाए, ईस्ट तैमूर और फिलिपाइन, और अगर बच गए तो इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे ईस्ट एशिया पे, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, उसके बाद ताइवान, ठीक है जी, और ऊपर रशिया, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी?